नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है 81। तो प्रश्न में पूछा गया है, जायसी ने अपने से पूर्व लिखे गए चार प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ उन चार ग्रंथों में शामिल नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि जो जायसी है, इन्होंने अपने से पहले बताए गए हैं कि चार प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखे गए थे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो उन चार ग्रंथों में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प सी, जो प्रेमावती कथा है ये उन चार प्रेमाख्यानक ग्रंथों में शामिल नहीं है जो जायसी ने अपने से पहले वर्णित किए थे। वो चार थे, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 82। प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ का विषय उस ग्रंथ का विषय उस ग्रंथ के साथ सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कुछ ग्रंथ और उनके विषय दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा ग्रंथ और उसका विषय सुमेलित नहीं है। तो जो पहला है पद्मावत, इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है। अगला है अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ मौजूद हैं। अगला है आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। अगली है जो कहरानामा, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। तो यहाँ पर जो गलत होगा तो वो होगा विकल्प डी, कहरानामा। इसमें जो कहरानामा है, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन का वर्णन नहीं किया गया है, बाकी सभी ठीक हैं। जैसे पद्मावत में नागमती और पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है, ये सही होगा। अगला जो अखरावट है, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं, ये भी सही होगा। अगला है आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, ये भी सही होगा। सिर्फ द सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 83। तो प्रश्न में पूछा गया है, शुक्ल जी ने जायसी के किस ग्रंथ का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं किया है। विकल्प में है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मसलानामा। तो सही विकल्प होगा मसलानामा, डी सही होगा। बाकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का वर्णन शुक्ल जी ने अपने इतिहास में किया है। अगला प्रश्न है 84। आचार्य शुक्ल पद्मावत के किस भाग को कल्पित मानते हैं। तो जो आचार्य शुक्ल ये जो पद्मावत का पूर्वाध भाग है इसे कल्पित मानते हैं, और जो उत्तरार्ध भाग है इसे ऐतिहासिक मानते हैं। इसे आपको याद रखना है, ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 85। तो प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा तथ्य नूर मोहम्मद के संबंध में उचित नहीं है। पहला तथ्य है ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, ये उचित होगा। अगला है नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे कवि थे, तो ये भी सही होगा। अगला है राजसुल हक्कायक को इन्होंने फारसी में लिखा है, ये भी सही होगा। अगला है इंद्रावती कथा के नायक कालिंजर का राजकुमार है, तो ये भी सही होगा। अगला है करम मोहम्मद शाह बखानू है सूरज दिल्ली सुल्तानू, तो ये पंक्ति मोहम्मद शाह की प्रशंसा में नूर मोहम्मद ने कही है, ये भी सही होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो डी है अर्थात र है, ये सभी कथन उचित होंगे, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।